इस बच्चों के रिएक्शन है। बस 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 ये अपना पहला बैनर जहाँ पे उधमपुर का नाम आ रहा है भाई। 87 किलोमीटर भी हमें जाना है। थोड़ी सी रेस्ट दे देते हैं भाई, बहुत ही हीट मार रही है मेरे हिसाब से ना, पैर पे लग तो रही थी। ये अपना पहला बैनर जहाँ पे उधमपुर का नाम आ रहा है भाई। 87 किलोमीटर भी हमें जाना है। ओहो भाई, इसको 200 किलोमीटर में ब्रेक देनी थी तो 187 रह गया, मतलब कि 200 से कम रह गया, तो मैंने दो हिस्से में डिवाइड किया, 400 किलोमीटर के करीब था। तो चलो कोई बात नहीं, पठानकोट पहुंचने ही वाले हैं हम, तो पठानकोट में इसको अच्छी रेस्ट देते हैं। जान अपनी ये, इसको भाई बढ़िया वाला तेल पिलाया है, सर्विस कराई है अच्छी खासी, तो इतना तो बनता है। चल शाबाश। और भाई मैं अक गया हूँ भाई, ये पंजाब 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 पीपी नंबर देख के, क्योंकि जम्मू नंबर भी देखना है अब। और पठानकोट क्रॉस करते ही हमारे, ओ देखो JK02 और पता नहीं 3 मिल गई भाई, क्या बात। अभी कुछ भी मांगते तो कुछ भी मिल सकता था, तो JK की गाड़ी मिलना शुरू हो चुकी है यहाँ से आगे, और पठानकोट क्रॉस करते ही हमारी JK नंबर शुरू हो जाएगा। तो पहुँचते हैं फटाफट से निकली पर। आप देखो भाई पहाड़, ये पहाड़ मिस करता हूँ भाई वहाँ पर मैं। सही बात बताऊँ ना, बाहर आते बिल्कुल प्लेन 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 हर जगह प्लेन, और ये चढ़ाई पहाड़ों की चढ़ाई भाई, आज अपनी बीस्ट को पहली बार इसको एहसास हो रहा है कि चढ़ाई कैसी चढ़ी जाती है। तो ये चढ़ाई बहुत मिस करता था मैं वहाँ पे तो प्लेन ही प्लेन चलता रहता था, तो ये पहाड़ मतलब कि अब समझ आता है। तो भाई आज ये फर्स्ट टाइम पहाड़ पे चढ़ने की शुरू करी है, तो कोई भी फ़र्क नहीं लग रहा भाई, इसको फुल रेस पे चल रही है। 5वें गियर पे देख लो, अभी भी एक्सेलरेशन पकड़ी हुई है इसने, तो सही है भाई। तो इसीलिए भाई पल्सर, इसीलिए नहीं तो प्लेन लाके में रहना था तो कोई भी भाई को ले सकता था। पल्सर अपनी जान है, पल्सर पे दम बहुत है। मुझे याद है हम जब हिमाचल से आए थे, तो वो नीचे से जो रास्ता जा रहा है ना, ये वाला, ये रास्ता हिमाचल से आया था, और यहाँ से हम जैसे ही मिल जाते हैं ना, तो ये अपना पठानकोट है जैसे आगे, और पठानकोट के आगे अपना जम्मू शुरू हो जाता है जैसे ही वो हम पुल क्रॉस करते हैं। वो देख सकते हैं आप, अगर क्लियर दिख रहा होगा, अमृतसर 110, जम्मू भी 110, वाह, श्रीनगर आ गया यहाँ, श्रीनगर 409। तो यहाँ से अमृतसर भी बराबर है और जम्मू भी बराबर है। तो गाइस मेन चौक पे पहुँच चुके हैं हमने, ये जो चौक है यहाँ से हमने अगर अमृतसर जाना तो हमें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, वो देखें बैलकुंडा अमृतसर, और अगर हमें जाना है जम्मू जो कि हम जा रहे हैं, तो हमें जाना है राइट साइड। तो ये है अपना जम्मू की तरफ रास्ता। और भाई मैं बड़ी देर से ढूंढ रहा हूँ यार, मेरे को ना खाने वाली जगह नहीं मिल रही ढंग की, तो मैं फटाफट से ना पहले खाने वाली जगह देता हूँ, मुझे भूख लगी है। और इसको भी यार थोड़ी रेस्ट दे देते, काफ़ी देर से चले ही जा रहे हैं। फाइनली हमें एक मिला तो है ढंग का, और 102 किलोमीटर अपना जम्मू रह गया। थोड़ी सी रेस्ट दे देते हैं भाई, बहुत ही हीट मार रही है मेरे हिसाब से ना, पैर पे लग तो रही थी। हाँ तो ऑब्वियस ही बात है भाई, 200-300 किलोमीटर लगातार चल के आई है, तो हीट तो मारेगी, उसको थोड़ी सी रेस्ट देते हैं और हम भी थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, खाना खा के फिर निकलते हैं। ओके सो गाइस, हमारा लंच हो चुका है, और क्या खाएंगे भाई, क्या खाया हुआ गैस करो। हमने यार पेंडू बंदे खाए हमने राजमा चावल भाई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इसलिए ऐसा ही होता है जब आपको पता नहीं रहता ना कि कहाँ पे जाना है आपको खाने के लिए, तो ऐसे ही, और ऊपर से 100 रुपये की प्लेट का ये हाफ। चलो भाई पेट भरना था वो भर ही गया, तो मेन बात थी भाई इसको रेस्ट देना, तो इसको रेस्ट देते थे। चलो अपना खाना हो गया, अदरवाइज मैंने जम्मू जाके ही खाना था, जम्मू में जाके अपना राजमा चावल यार बहुत सही मिलते हैं। तो अभी हमारा करीब करीब 100-103 किलोमीटर है जम्मू, तो जम्मू पहुंचते हैं जैसे जैसे पास पास पहुंचेंगे वैसे वैसे भाई। अब देखो अब तो भाई अपना, अभी तो वैसे हम जम्मू का पुल क्रॉस नहीं किया, जो अपना रवि रिवर वाला, रवि नदी है वो क्रॉस करते हैं, उससे फिर वो पुल है रवि रिवर वाला पुल जो है, ये क्रॉस करते ही जो है जो बाहर की सिम है वो बंद हो जाती हैं, ठीक है, और जम्मू की सिम वो चालू हो जाती हैं। तो ये है वो मेन जगह जिसको नहीं पता भाई उसके लिए। और रही बात जगह की, तो भाई वो सामने हम लखनपुर पहुंच चुके हैं,
और ओ भाई गॉड, सामने देख रहे हो, वरना देख रहे हो नंबर, गुआंडी गुआंडी मिल गया आपस में। तो भाई इसके बाद जो है अपनी जम्मू की गाड़ियाँ दिखना कंटिन्यू शुरू हो जाएंगी, मतलब अब कॉमन गाड़ी जम्मू की दिखेगी, जो पहले रेयर दिख रही है वो कॉमन दिखेगी। 08 अपनी कठुआ की, 1414 उधमपुर, और उसके आगे भी है वो भी शायद वो 21 है सांबा। तो भाई हियर वी आर महाराजा गुलाब सिंह, भाई हमारे शूरवीर योद्धा पे आप नोटिस कर रहे हो कि इतनी गाड़ी क्यों लगी हैं यहाँ पे है। भाई सांबा के मशहूर पल्ले, जो पल्ले खाने वाले पसंदीदा वो यहाँ खा सकते, हम भी खाते, पर अभी रोटी खा ली है, पेट भर गया। इस बच्चों के रिएक्शन है, बस 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 भाई साहब हाथ ही पकड़ लिया था मेरा। बच्चों को ना क्यूट क्यूट रिएक्शन आते हैं गाइस, टोल लेने के लिए ना देखो कितने मरे जाते हैं, और रोड की हालत देखो ये नहीं है, फटाफट बना के तैयार कर रहे, पता नहीं कब से, मैं तो चलो अभी आया हूँ, पता नहीं कब से पड़ा होगा, लग नहीं रहा है अभी का काम है, तो ऐसी हालत है गाइस, बच्चों के रिएक्शन ही रिएक्शन मिल रहे हैं। बारी खुली है उस साइड की, ओके गाइस वेलकम टू द जम्मू, हालत देखो रोडों की, जम्मू की क्या बढ़िया रोड बने हैं भाई साहब, जो पीछे में धूल से जितनी मिट्टी से और जितने खराब रास्ते से आया हूँ ना, रिकॉर्ड करना दूर की बात, मैं बहुत मुश्किल से बच बच के आया हूँ, ट्रक वाले देख ही नहीं रहे, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा है, बहुत मुश्किल से आया, और ये देखो रोड। वेलकम टू जम्मू, जम्मू की खासियत क्या बोलना है भाई, अपना जम्मू ने फिर ये हालत है रोड की, तो फिर कुछ अपग्रेडेशन हो रही है भाई, यहाँ पे फ्लाई ओवर बन रहा है मानते हैं, पर जो रोड है उसकी हालत बहुत बुरी है। तो अभी थोड़ी देर में हम सतवारी चौक पहुँचने वाले हैं, और उसका थोड़ा सा जम्मू में काम है, वो आपको वहीं पर जाके बताऊँगा। ओके गाइस, सो अपडेट का टाइम है, और देख सकते हो भाई कहाँ पहुँच गए हम, यस वी आर इन उधमपुर, उधमपुर में आ गए भाई। सो ये था गाइस आज का व्लॉग, कैसा लगा व्लॉग आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और उधमपुर में आ चुके हैं हम, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय डुगर।